तुम पैदा हुआ तो तुम थोड़ी बताओ, पहले राम पैदा हुआ। चुप रहो, पंचांग हमारे पास में। हाँ तो ब्राह्मण हो ये बात ठीक है, व्यासी पंचांग हमारे पास है। नहीं ठीक है, वो ब्राह्मण है, वो बोलने का अधिकारी है, वो ठीक बोल रहे हो। नहीं आगे नहीं, पहले आपको ये बताओ कि इसके जो संस्कार हैं ये तुम्हारे संस्कारों से क्यों नहीं मिलते, आपको उत्तर चाहिए। और नहीं मैं कहूँगा राम तो रे, मुझको उत्तर चाहिए। राम तो रे भाता पारे पापी, अगर उत्तर नहीं दिया तो मैं और कुछ कहूंगा, इसलिए उत्तर दे और मैं सुनने की क्षमता रखो। प्रभु आपको ऐसा कुछ लग रहा है छोटे भैया में? आपको लग रहा है? हाँ लग रहा है ना। तो चाल है, तुमको जो लग रहा है वो बताओ। है तुमको जो लग रहा वो हमें बता दो, तुमको क्या लगता है? क्योंकि तुम्हारी बात तो यही है। मैं कहता हूँ राम तो रे भ्राता पारो पापी। अब मैं तुमको पूछ रहा हूँ, अगर राम को ये लगता है कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि हर भाई हर माता पिता अपने बच्चों में दुर्गुण नहीं देखना चाहते, कोई माता पिता ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा उगड़ी हो या मेरा बेटा दोषी हो, ये मेरा बेटा बिगड़ जाए। कोई बड़ा भाई नहीं चाहता कि मेरा छोटा भाई बिगड़े, कोई नहीं चाहता, आप ही नहीं चाहते हो। तो मैं कह रहा हूँ राम तो रे भ्राता पारो पापी, और अगर तुमको अच्छाई से दिखाई पड़ रही है तो हमें जल्दी बताओ, और नहीं तुम कान पर आओ खबर छपा छोड़ कर। आज सब फंसेंगे। उसको प्रसंग नहीं,